रात को कभी भी जन्म सॉरी लगे रात जो हुई है करौली की वो आपके सामने है और आज भी ब्यावर में आपस में एक छोटी बात को लेकर झगड़ा हो गया अभी सुबह सुबह और एक व्यक्ति की हत्या हो गई। तो अब ये जो जाति धर्म के नाम पर रंग ले लेते हैं तो व्यक्ति को भी बैठ सकते हैं मर्डर हो गया, पर अगर धर्म अलग अलग है दोनों का तो फिर धर्म के नाम पे लोग ध्रुवीकरण करके फिर उसको इश्यू बनाते हैं। तो अगर मेरा मानना शुरू से रहा है जिस परिवार में जिस गांव में जिस जिले में जिस प्रदेश में जिस देश में अगर शांति भाईचारा सद्भाव रहता है तो वहां पे माहौल बनता विकास का, आर्थिक स्थिति मजबूत होने का, और उसी के आधार पर मैं समझता हूँ कि तमाम जो आज चुनौतियाँ हमारे सामने महंगाई की है या रोजगार की है, बहुत बड़ी चुनौती रोजगार की भी नौजवानों में बहुत बड़ी छटपटाहट है पूरे देश के अंदर, ये तमाम समस्या तब आती जब आप जो आपकी अप्रोच है गवर्नेंस करने की उस पर आपका ध्यान जाता नहीं है और आप खाली परिस्थिति पैदा करके राजनीति करते हैं। जैसे अभी यूपी चुनाव में किया गया बुलडोजर, चुनाव चिन्ह बन गया बुलडोजर, फेक एनकाउंटर हुए वहाँ पर, उसको भी बता दिया गया जैसे बहुत बड़ा वहाँ के मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया हो। फेक एनकाउंटर करना तो बहुत आसान काम है, पर कानून का राज स्थापित रहे तभी तो देश चलेगा, न्याय मिलेगा। फेक एनकाउंटर के नाम पे तो कभी निर्दोष लोग मर सकते हैं, इसलिए कानून कहता है कि चाहे वो कितने बड़ा क्रिमिनल है तो पूरा प्रोसेस करो और उसको
जब फांसी दिलाओ चाहे उसको आजीवन कारावास दिलाओ चाहे सजा दिलाओ, ये कानून का राज है। कानून का राज स्थापित रहेगा तब जाकर देश चलेगा, उस रूप में चलेगा। वरना दुश्मनी भी होगी और मन में कई भाव पैदा होते हैं और मैं समझता हूँ व्यवस्था बिगड़ जाती है कानून में। तो आज तो मुझे चिंता कल से लगी हुई, जब से मैंने सुना है कि करौली के अंदर जिस प्रकार से घटना हुई है। मैंने अभी सुबह अभी बात की डीजी से, उनको मैंने कहा कि जिन्होंने हरकत करी है, जिन्होंने ये दंगे भड़काने का प्रयास किया है, इसके पीछे कौन हुई ताकत थी, उन सबको आप उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। चाहे कोई कौम हो कोई धर्म के लोग हो, उनमें मैसेज आना चाहिए कि राजस्थान में कानून का राज ही स्थापित रहेगा, ये मेरा मानना है। सर कल आपने महंगाई को लेकर रही थी, आज सुबह सुबह ही पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए आज फिर से, तो क्या कुछ लग रहा है सर आने वाले दिनों में किस तरीके से महंगाई बढ़ेगी? दूसरा मेरा सवाल है, बीजेपी ने सीधे तौर पर देखिए इतना बड़ा धोखा देश के साथ कभी हो नहीं सकता। पूरा देश कह रहा था कि 5 चुनाव तक रोक लगाई हुई है कि पेट्रोल डीजल दाम नहीं बढ़ने चाहिए, रोक लगाई हुई है जिससे कि उनको नुकसान नहीं हो। और चुनाव खत्म होते ही ये प्राइस बढ़ेंगे और वही देश देख रहा है। तो देशवासियों को समझ में आना चाहिए कि इनका गवर्नेंस करने का तरीका क्या है। क्या आप चुनाव में लाभ उठाने के लिए तो आप रोक लगा दो और बाद में आप एक साथ में प्राइस बढ़ाना शुरू कर दो, 10 दिन से बढ़ रही प्राइस करीब करीब, तो ये जो तरीका है ये कोई गवर्नर का तरीका नहीं होता है। और इसीलिए आज महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल दाम बढ़ेंगे, डीजल के बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। LPG अलग बढ़ा दी, कहाँ तो उज्ज्वला योजना थी, खूब प्रचार किया और देश का मीडिया के दबाव में है, मीडिया के मालिक बहुत डरे हुए हैं। वो जो है इनकम टैक्स ED और CBI के छापे डरते हैं। पूरा मीडिया कुछ लोग छोड़ दो, वो पूरा मीडिया देश में इनके दबाव में है, प्रदेश में के दबाव में है। ये लोग प्रदेश तक की मीडिया की मॉनिटरिंग करते हैं, वो लोग हैं ये लोग। और पूरा होम मिनिस्ट्री में तो प्रकोष्ठ बन गया एक प्रकार से, वो पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है कौन मीडिया क्या कर रहा है, उसी ढंग से बिहेव करता है। अब भाजपा देखिए आप, वो निष्पक्ष चल रहा था तो 20 जगह उसके जगह छापे पड़े, पूरे देश के अंदर 20 जगह छापे डाले उसके, उसके बाद में लोग बदल गए उसका, तो अब वो एक तरफ अंग्रेज चलने लग गया। पहले निष्पक्ष था और अब वो प्रो बीजेपी चल रहा है। ये हालात जब रहेंगे डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी, कहाँ डेमोक्रेसी रहेगी, कहाँ संविधान की रक्षा होगी? ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने पुट अप कर रहा हूँ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देश कह रहा है। जितने अब आर्टिकल पढ़ोगे देश के अंदर इंटेलेक्चुअल के लेखकों के, वो तमाम लोग एक ध्वनि बोल रहे हैं, तमाम लोग एक ध्वनि बोल रहे हैं अखबारों के अंदर भी, और ये वायर और प्रिंट और जो भी प्लेटफॉर्म बन गए हैं उन सब में आर्टिकल आ रहे हैं। पर कब तो थक जाते बेचारे वो, क्योंकि हम थक गए। हम तो कई ऐसे लेखक हैं जो आप कब तक लिखते रहेंगे ये परवाह नहीं कर रहे हैं। परवाह क्यों करेंगे? फासिस्ट लोग हैं, इन्हें कोई यकीन नहीं लोकतंत्र के अंदर, तो क्यों परवाह करेंगे लोग? अब जनता ने को बिठा दिया, काला दल लेके आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, क्या क्या नहीं कहा। 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया, वो घोटाला कहाँ गया? एक आदमी को जेल भेजा मोदी जी ने, 1,76,000 करोड़ घोटाला कहने वाला CAG, वो खुद ही माफी मांगता फिर रहा है लिखित के अंदर संजय निरुपम से बम्बई के अंदर। ये तो उसकी स्थिति बन गई। CAG की पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती है, CAG प्रोटोकॉलों पर ऊपर आता है देश के अंदर, वो माफी मांग रहा है लिखित के अंदर। सरकार चली गई हमारी, 1,76,000 करोड़ का कोल घोटाला हो गया, कोल गेट घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम हो गया, कहाँ गए वो लोग? एक आदमी जेल तो 7 साल हो गए इनको,
सात साल में एक आदमी को जेल भेजा गया इन्होंने, जेल में थे वो भी छूट गए, ये वो लोग हैं। तो बड़े खतरनाक दौर से देश गुजर रहा है, समझने की आवश्यकता पब्लिक को भी। आज नहीं समझेंगे तो आज तो ठीक है काम चल जाएगा, कल बहुत बुरा आने वाला है मेरा मानना। सर देश में जो कांग्रेस का हाल है उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? जिस तरह आप तो मेरी बात सुनिए, चुनाव जीतना समझ जा नहीं पाए। पंजाब को लेकर कितनी अच्छी आप करें, सरकार थी, योजना थी, डिलीवर नहीं कर पाई और वहाँ आम आदमी पार्टी आ गई। राजस्थान में भी जिस तरीके से पंजाब में गुटबाजी थी, राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी, तो क्या देखते हैं आम आदमी पार्टी का भविष्य? और जिस तरीके क्या कांग्रेस अपनी योजनाओं को जनता तक डिलीवर नहीं कर पाती या वोट पर कन्वर्ट नहीं कर पाती? देखिए राजस्थान में तो जो बजट पेश किया गया उसकी लोग सब जगह वेलकम कर रहे हैं, चाहे मीडिया हो चाहे दूसरे लोग हो। मैं मीडिया वालों से कहना चाहूँगा कि गरीब तक योजना पहुँचने में आप लोग भी प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, जिससे कि गरीब को केवल जानकारी नहीं होती कि ऐसी योजना भी आई है। आपका ये 10 लाख का बीमा हो गया है इलाज कराने का, कोई कम बात है क्या? हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर आज तक इतना बड़ा निर्णय नहीं हुआ है, 10 लाख का बीमा। और अगर वो चिरंजीव योजना का व्यक्ति, भगवान करे वो एक्सीडेंट नहीं हो पर एक्सीडेंट हो गया मर गया, तो इस चिरंजीव योजना के साथ में उसका 5 लाख का बीमा वो भी है। अब जनता को मालूम नहीं है, मैं हाथ खड़े करवा दूँ कई जगह, मैं हाथ गिनता हूँ 5-10 हाथ खड़े होते हैं। और भी इतनी बड़ी योजना आपके लिए पब्लिक के लिए, तब भी आपको जानकारी नहीं है। ये बड़ी मीटिंग में बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो हर व्यक्ति को चाहिए सरकारी योजना क्या है उसकी जानकारी रखे, उसका लाभ गरीब तक पहुँचवाए। वो काम तो सरकार अकेले नहीं कर सकती, हम विज्ञापन दे देंगे आप लोगों को और क्या कर सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता बन जाएंगे, वो लग गए काम करने में, पर मीडिया की जिम्मेवारी बनती है उसको आपको दिखाना चाहिए। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा, आप विश्वास नहीं करोगे शायद, क्योंकि डेमोक्रेसी में चुनाव जीतना हारने सब कुछ माना जाता है, वो नहीं है। आज कांग्रेस की चौकी पूरे देश के हर गांव में हर घर में मिलेगी आपको। आज भी सरकार नहीं बनी छोड़ी है, इंद्रानी चुनाव हार गई थी जिसने परमाणु विस्फोट कराए आपका प्रोग्राम के अंदर, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, एमरजेंसी के बाद में माहौल ऐसा बना, आदि साफ हो गए पूरे उत्तर भारत में। एक नाथुराम मिर्जा जी जीते नागौर में, एक गायत्री शंकर मिश्र जीते मध्य प्रदेश के अंदर, ऐसी स्थिति बन जाती कई बार। उससे कांग्रेस थोड़ी खत्म हुई, जैसे ही वहाँ पर माहौल बना पूरे उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो सब जगह आंधी चली और वापस सरकार बन गई। तो कांग्रेस का खत्म हो जाती, चुनाव हारने से कांग्रेस खत्म नहीं होती। आज हम मीटिंग करते हैं, हम जा रहे हैं मीटिंग में जयपुर में, अगर आप मेरे कोई हो जाए अपने मित्र को पूछना कैसी मीटिंग चल रही है। और तो सेवादल वाला आए थे, रोज लोग मिलना आते हैं। आप देखेंगे कि कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है आज भी। राजीव राहुल गांधी जो बोलता है, एक इतना हिम्मत वाला व्यक्ति वो है, मोदी का मुकाबला भी कर रहा है। जब हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं तो राहुल गांधी कर अकेला, कौन सी लोग आप एक नाम बता दीजिए किसी पार्टी का, किसी भी पार्टी का जो 7 साल से लगातार मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हो, एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हो, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं उनको, चाहे वो आपका ये कोरोना आया हो तो उन्होंने बहुत पहले चेता दिया कोरोना की स्थिति क्या बनने वाली है, सरकार को चाहिए वो अभी से ध्यान दे और कार्रवाई करे। वो तो विपक्ष तो खाली आपको आगाही कर सकता है, अगर उन्होंने किया वो बात सच निकली। जो जो राहुल गांधी जी ने पहले चेताया सरकार को वही बातें सही निकल रही है। तो मोदी जी को तो समझना चाहिए कि एक विपक्ष का नेता बोल रहा है, मुझे उसको गंभीरता से लेना चाहिए और एक्ट करना चाहिए। मैं आज मुख्यमंत्री हूँ, आज कोई विपक्ष का आदमी बोलता है, कार्यकर्ता ही बोलता है, और मैं देखता हूँ पढ़ता हूँ, मुझे लगता है इसमें दम है, तो मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि मैं पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर उस बात को भी एग्जामिन करूँ और उचित तथ्य लागू कराऊँ। पर आज क्या हो रहा है, मोदी जी और अमित शाह जी, और ऐसा माहौल बन गया है जैसे कोई दुश्मन है कांग्रेस वाले, कांग्रेस मुक्त भारत की बातें करते हैं, कांग्रेस मुक्त कभी भारत से होने वाली नहीं अगले 100 साल भी।
जो मुक्त करने की बात करते हैं वो खुद मुक्त हो जाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आपके हमारे देखते हो जाएंगे, क्योंकि उनका रास्ता सही रास्ता नहीं है। उनका रास्ता कथनी में करने में अंतर वाला है, उनका रास्ता धर्म के नाम पर राजनीति करना बहुत आसान काम है। एक गांव में भी आप जातिवाद पैदा कर दे तो दो ग्रुप बन जाते, आप देखते ही हो कि देश के अंदर जातिवाद और धर्म के नाम पे लोग बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। आप ये राजनीति है क्या? डेमोक्रेसी में तो है, आप धर्म निरपेक्षता की बात करो। संविधान के अंदर मूल भावनाएं समाजवाद की है, लोकतंत्र की, उसको अपनाओ, उसके आधार पर आप चुनाव जीत के आओ, तब तो समझ में आता है। पर डेमोक्रेसी में जो ज्यादा वोट लाता है वोट पड़ने वालों में से उससे हम जीतते थे। मोदी जी 14 में जीते थे तो वोट तो 31% ही थे, तो इसका मतलब क्या हुआ 69%, 31% में प्रधानमंत्री बन गए और 69% जो है उनके खिलाफ वोट थे ना वहां पर, तभी प्रधानमंत्री वही बने, क्योंकि जो हमारे सिस्टम है। तो जनता साथ कहाँ थी, पर क्योंकि चुनाव जीत गए वो थोड़े और परसेंट बढ़ गए बाद में। तो कहने का मतलब है कि ये कोई हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, वो उनका उनकी फितरत है आरएसएस की, बीजेपी की, वो व्यक्तिगत दुश्मन मानते अपने विपक्ष को, बल्कि की भावना से काम करते। जीतते देखते पड़ोस में कौन रहता कांग्रेस वाला, उनके भाई भतीजे की टांग से करवा देते बात छोड़, ये उनकी फितरत है। हम जीतते हैं तो हम ना हम वो ऐसी बातें करते नहीं है, हम तो उनके काम भी बंद नहीं करते हैं। और रिफाइनरी बंद कर दी 5 साल, आज रिफाइनरी जो 40,000 के लगभग थी, पहले 37 की थी, फिर 40 की हुई, आज वो 74,000 करोड़ की रिफाइनरी बन रही है। जब पब्लिक के दिमाग में बात आने चाहिए, और पब्लिक इतनी भोली भाली होती है वो इसे ध्यान देती नहीं है। 74,000 करोड़ की लगे तो बता दीजिए आप किसका पैसा, वो पब्लिक का पैसा, चाहे वो केंद्र लगाएगा कि राज्य लगाएगा, एसपीसी लगाएगा या हम लोग सजाए देंगे। 37,000 करोड़ की रिफाइनरी टाइम पे बनती तो मान लो 40 की होती, 45 की होती, बढ़ जाती थोड़ी बहुत कर बढ़ जाती। 74,000 करोड़ की रिफाइनरी बन रही है वो, बताइए आप, तो क्या ये बात समझने वाली बात नहीं है? पानी हमारा, बिजली हमारी, तेल हमारा, और 26 में भागीदारी क्यों जिमला बोल बोल के कर दिया, और सुन रही है हिंदुस्तान में कहीं, मैंने कल का मीटिंग आ गया, हिंदुस्तान में कहीं पे भी रिफाइनरियों में पार्टनरशिप राज्यों की नहीं होती है। ये तो क्यों स्पेशल मैंने दबाव दे दिया कि बड़वाई रिफाइनरी, इसलिए यहाँ पर जो एसबीआई कैप कहलाती है, एसबीआई कैप जो एक उनकी सब्सिडी कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, उसको काम सौंपा गया असेसमेंट का। उसने कहा तभी लगेगी जब राज्य सरकार भी हिस्सेदारी करेगी, तब हमें करनी पड़ी मजबूरी से करनी पड़ी, पर इश्यू बना लिया वसुंधरा जी ने, उसके कारण से पूरा रिफाइनरी 5 साल तक जान बुझ के बंद करवा दी। हमने दबा दिया लगातार, फिर भी हमारी पार्टी लोगों ने, हरीश चौधरी बैठे, मनंद प्रजापत है, देवाराम जी है, ये सब आए थे वहां पर 50,000 के अंदर, हमने धरना दिया कि मदन प्रजापत ने पद यात्रा करी जोधपुर तक, दबाव पड़ा। जब वो घबरा करके वापस रिफाइनरी शुरू कर गई तो मैंने कहा प्रधानमंत्री महोदय उसका तो हो चुका है, वहाँ पे पूजा पाठ हो चुका है शिलान्यास के अंदर, आप तो धार्मिक व्यक्ति हो, दो बार पूजा पाठ कैसे होगा? तो कार्ड वापस नहीं छपाएंगे, शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं शिलान्यास की बजाय, ये तो इनकी स्थिति है। तो कहने का मतलब जो स्थिति बनी देश के अंदर वो बहुत ही चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। जितना आप प्लेटफॉर्म पढ़ोगे आप देश के अंदर जो आजकल सोशल मीडिया के हैं और क्रेडिबल भी है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही हो गया हो, जो भी आपके वायर है या प्रिंट है, पता नहीं क्या क्या और भी होंगे, एक सत्य है, एक सत्य भी प्लेटफॉर्म है। yes, तो आप बताइए मुझे, इतने लेखक लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, कब तक लिखेंगे वो, थक जाएंगे। तो बहुत ही स्थिति नाजुक है, और मोदी जी को जिस विश्वास के साथ में जो अन्ना हजारे और जो आंदोलन किए, वो बाबा रामदेव जी गायब हो गए, गायब ही हो गए। पहले के बयान, अब बयान पढ़ लो, एक दो कॉलम बना दो, बाबा रामदेव पहले क्या कहते थे अब क्या कहते हैं मालूम पड़ जाएगा। अन्ना हजारे साहब बेचारे को गायब हो गए, उनको इन लोगों ने बैठाया था,
आरएसएस बीजेपी ने षडयंत्र करके कांग्रेस के खिलाफ में मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति जो विद्वान भी था इकोनॉमिस्ट थे उनके राज को बदनाम करने में इन्होंने षडयंत्र किया और फिर कामयाब हो गए और सरकार आ गई। इसलिए मैं आपको लास्ट में कहना चाहूंगा कि चुनाव जीतना हारना अलग बात है पर विचारधारा ही लड़ाई हमारी है और वो राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि हमारी लड़ाई कोई इनसे दुश्मनी नहीं है, हमारी विचारधारा हमारे साथ में, हम उस पर अटल रहेंगे, चलते रहेंगे। अंतिम विजय सत्य की होगी, सत्य हमारे साथ में। रिफाइनरी को लेकर भी आपको अपना फीडबैक दिया अधिकारी से, क्या स्थिति है और कब तक पूरी हो जाएगी? और जिस तरीके से हमाराम जी ने अभी कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, काफी दिक्कत आ रही है, तो इन सब चीजों को लेकर भी आपकी आवश्यकता है? रोजगार तो पूरे हिंदुस्तान में लेकर बहुत, हमारे यहाँ तो 3 लाख लोगों का भी सुना आपने, 1 लाख तो लोग लग चुके हैं हमारे यहाँ, 1 लाख पहले चल रहा है और अभी बजट में 1 लाख और घोषणा कर दी है। अब हम लोग उसको क्योंकि आजकल हाईकोर्ट चले जाते हैं, बार बार रुक जाता है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि नियम कायदे और बदले कैसे, जिससे कि ना लीक हो और ना नौबताए डिले होने की, वो हमारा प्रयास है। बजट मैंने कहा कि बजट को हम लोग चाहेंगे कि धरातल पर उतारें, अभी कोई 200 से अधिक तो हमने फैसले कर लिए हैं, स्वीकृति जारी कर दी अभी से ही। तो ये जो इनका भ्रम बनाया हुआ है विपक्ष का, पैसा कहाँ से आएगा, धरातल पर कैसे आएगा, वो चिंता ही कटाया नहीं कर रहे हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है। मैंने कहा उसके अंदर वो चिंता तो मुझे करने दो, आप तो मैं करूँगा कैसे इसको धरातल उतारे, बच्चे घूम रहे हमारे क्या अभी जो कोविड में लगे थे, कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट वगैरह, इनको मैंने कहा है कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जिसने कोविड साथ दिया उनको हम लोग प्रोसेस करके वापस लेंगे, जिससे कि बाद में इनका फ्यूचर सुनिश्चित हो, ये परमानेंट कभी हो सके, कभी हो सके। क्योंकि अगर इनका एससी एसटी ओबीसी सब एमबीसी सबका अगर इनको कैटेगरी में नहीं लिया गया तो ऐसे कई जो बैठे हैं जिनको हम चाहते हुए परमानेंट नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं ये प्रोसेस लिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, हमने कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से बना दिया है, वो उनके लिए नियम कायदे बना दिए हैं, तो अब वो उनका आराम हो जाएगा। इनको भी हम चाहेंगे थोड़ा सब्र करें, पूरा हमारे ध्यान में है, और कोविड में जब हम सबको शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पब्लिक को भी, एनजीओ को, धर्मगुरुओं को, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को, इनको काम वास्तव में काम किया, इनको कौन हटाएगा। सर पश्चिमी राजस्थान में सर नशा वृत्ति लगातार बढ़ रही है, युवाओं में हथियारों और नशे के प्रति जबरदस्त क्रेज है, और यहाँ पर आए दिन पुलिस भी कार्रवाई करती रहती है, लेकिन मूल जो नशे के तस्कर है या जो सप्लायर है उन तक पुलिस कभी पहुंच नहीं पाती। हर बार कई सालों से, कई दशकों से सर अवैध शराब जो है हरियाणा से यहाँ आती है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन इसके जो मेन सप्लायर है वो आज दिन तक दूर है। इस वजह से बड़ा एक नेक्सस तैयार हो चुका है सर, इसको तोड़ने को लेकर सरकार कितनी गंभीर है? देखिए ये नशा पता की बात बहुत ही चिंताजनक है, पंजाब तो इसका उदाहरण है, सबसे ज़्यादा अगर देश के अंदर का इशू बना हुआ तो पंजाब में बना हुआ है, घर घर में नशा पहुंच गया, युवाओं के अंदर भी और लोगों के अंदर भी, ये समाज के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। वो क्या रहा है, सोशल मीडिया ऐसा आ गया है कि छोटे बच्चे भी जो है, अगर 5 बच्चे बैठे होंगे बात कर, 5 बच्चे बैठे होंगे 4 घंटे 5 घंटे 5 घंटे अपने बात नहीं करेंगे, सब बैठे बैठे अपना वो देखेंगे, आप सोच सकते हो क्या स्थिति बनेगी, उस पर क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या ग्रहण कर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। इसलिए ये प्रवृत्तियाँ जो सोशल मीडिया आया है, ये क्रांति आई है, इसमें कोई दोराय नहीं, पर इसके कुछ नुकसान भी हो रहे हैं, उसको समाज को भी आगे आना पड़ेगा। एनजीओ बनने चाहिए जगह जगह पर, एनजीओ ना काम ही होना चाहिए एनजीओ का, जैसे समाज सेवा करते हैं, ये भी समाज सेवा है कि आप नशा पता नहीं करने का अभियान भी चले, तो कुछ तो काम सरकार अकेले नहीं कर सकती है ना, जनता को भागाना पड़ेगा। ओके सर, सर एक फोटो।
अरे ये क्या कर रहे हैं।